पिछले पार्ट में अपने पढ़ा था, स्टार्ट किया था हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हाउ डज डाइजेशन कैन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग, कि फूड का डाइजेशन ह्यूमन बींग के अंदर कैसे होता है। सबसे पहले डाइजेशन के लिए डायग्राम ये बनाया था कि वी नेसल कैविटी एंड बकल कैविटी, वी ऑब्टेन ऑलवेज फूड थ्रू द बकल कैविटी, हमें हमेशा भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं, वेन एवर वी ईट फूड, और जब भी हम भोजन खाते हैं अवर आवर माउथ वाटर्स। तो आप यहां से लिखेंगे वेन एवर वी ईट फूड आवर माउथ वाटर, दिस इज नॉट वाटर, हम जब भी खाना खाते हैं मुंह में पानी आ जाता है, पानी नहीं है, क्या है ब्रो, सलाइवा है, इट इज सलाइवा, लार होती है, और सलाइवा हमारी सलाइवा जो है हमारी माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रेट करती हैं सलाइवा, लार सिक्रेशन करती है, क्या काम करती है, लार फूड को वेट गीला कर देती हैं, जिसके कारण से फूड को इनगल्फ करना निगलना जो है आसान हो जाता है। पहली चीज, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट्स वाटर और उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। हम कभी भी खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो शुगर कंटेंट होता है, मीठा होता है, कच्चे गेहूं के दाने खा के देखिए वो भी आपको मीठे लगेंगे, उसमें शुगर कंटेंट होता है, उस शुगर को वो सिंपली स्टार्च में चेंज करना शुरू कर देती है, इसका मतलब डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। व्हेन एवर वी ईट फूड आवर माउथ वाटर्स, दिस इज नॉट वाटर, इट इज सलाइवा, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाई सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट या डीकम्पोज द कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू स्टार्च, इसका मतलब माउथ के अंदर ही फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन टंग क्या करती है, इस फूड को बॉलस से गोली के रूप में चेंज कर देती है, और लार गीला होने के कारण से फूड को आसानी से हम टंग की सहायता से इनगल्फ कर लेते हैं। सलाइवा मेक्स द फूड वेट एंड वी इनगल्फ द फूड विद द हेल्प ऑफ टंग, टंग उसको करते हैं दगा देती है, अंदर चला जाता है फूड, फिर कहाँ आ जाता है, एसिफेगस यानी फूड पाइप के अंदर, तब फूड कहाँ आता है, फूड पाइप के अंदर। अब यहां से मूवमेंट कैसे होगी, हमने माउथ में तो क्या किया, इसको इनगल्फ कर लिया, निगल लिया, टंग की सहायता ली, सलाइवा ने मिक्स कर दिया जिसका फूड गीला हो गया, निगल लिया, लेकिन एसिफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं यहां कैसे मूवमेंट करते हैं, हमारी जो फूड पाइप है लगातार कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होती रहती है, फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है, और इस कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन के कारण से फूड मूवमेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पानी का पाइप पड़ा हो तो हम पीछे से दबाते हुए चलेंगे तो पानी आगे चला जाए, सेम इसी प्रकार से हमारी फूड पाइप जो होती है कंटिन्यूसली कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इस कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन होने के कारण से फूड पाइप का फूड हमारा मूवमेंट करता है। ऐसी मूवमेंट जो फूड फूड पाइप में शो करता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्लियर, उसके बाद है इसमें the food moves food shows peristalsis movement in food pipe, food हमारा food pipe में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ जाता है एंड इंटर्स इनटू द स्टोमिक,
और स्टोमिक में वो एंट्री कर जाता है। फूड बकल कैविटी से होता है, इसेफेगस से, यहां से उसके बाद कहां स्टोमिक के अंदर एंट्री करता है। अब स्टोमिक के अंदर क्या होता है, स्टोमिक में एक तो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। कौन सा? इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है। एचसीएल इसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण से पेप्सिनोजन किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन के अंदर। इसका मतलब एक एंजाइम है पेप्सिन एचसीएल, और थर्ड वन क्या है? म्यूकस। इसमें एक लिक्विड होता है जो स्टोमेक की इनर लेयर को एसिड के अटैक से बचाने का काम करता है। इन स्टोमेक द फूड स्टे 4 to 6 आवर्स। यहां पर फूड स्टोमेक के अंदर 4 से 6 घंटे रुकता है, क्यों? कुछ डाइजेशन यहां भी होता है। इन स्टोमेक एचसीएल पेप्सिनोजन एंड म्यूकस प्रेजेंट, ये चीजें प्रेजेंट होती इसमें। क्या काम करता है एचसीएल? क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एचसीएल इन आवर स्टोमेक? एचसीएल का हमारे स्टोमेक में क्या रोल है? दो काम करता है, एक तो हमारे फूड का जो एसिडिक मीडिया स्टोमेक के अंदर, यानी फूड के मीडिया को एसिडिक बना देता है, दूसरा ये इनएक्टिवेट जो पेप्सिनोजन है उसको किसमें? एक्टिव पेप्सिन में चेंज कर देता है। एचसीएल मेक्स द एसिडिक मीडिया एंड एक्टिवेट द पेप्सिनोजन, क्योंकि जब पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है एंड चेंज इनटू या कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन, इसको पेप्सिन में चेंज कर देता है। पेप्सिन क्या करेगी? ये पेप्सिन हमारे फूड में आने वाले जो प्रोटीन है उसको डिकम्पोज करना शुरू, डाइजेस्ट नहीं करती, डिकम्पोज करना शुरू कर देती है। पेप्सिन स्टार्ट टू डिकम्पोज द प्रोटीन एंड इनटू पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, इसमें तोड़ देती है। यानी जो फूड के अंदर प्रोटीन था वो प्रोटीन कौन तोड़ती है? पेप्सिन, जो एक्टिवेट होगी वो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डिकम्पोज कर तोड़ देता है किसमें? पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस के अंदर। एचसीएल का काम भी क्लियर, पेप्सिन का काम भी क्लियर, अब म्यूकस का क्या काम है? द म्यूकस प्रिवेंट्स द इनर लेयर ऑफ स्टोमेक। म्यूकस जो स्टोमेक के इनर लेयर के ऊपर यहां प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? एचसीएल इसके ऊपर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, यदि एचसीएल बन जाता है एक्सेस अमाउंट में तो एसिडिटी हो जाती है, और लॉन्ग टाइम तक एसिडिटी हो जाती है तो ये एसिड क्या करता है? इनर लेयर जो स्टोमेक की है इसको डिकम्पोज करना शुरू, तोड़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, तो उससे बचाने का काम करता है। लेयर ऑफ स्टोमेक फ्रॉम द अटैक ऑफ एचसीएल, म्यूकस का ये काम है। अब यहां पर फूड 4 से 6 घंटे रुकता है, वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है, एक सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं काइम। इन स्टोमेक फूड मिक्स विद वाटर एंड चेंज इनटू ए सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड काइम। क्या बोलते हैं? काइम।